दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बीटीएससी रिजल्ट के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स जानेंगे। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेटों का कमेंट्स आ रहे हैं कि हम मेरा रिजल्ट चेक नहीं हो रहा है, तो किन कैंडिडेटों का रिजल्ट चेक नहीं हो रहा है और किस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक करिएगा। जैसे कि हमने रात में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि आज के डेट में आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन लिंक है बीटीएससी की तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसमें काउंसलिंग के लिए टोटल हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि लगभग 32,127 कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे। तो जो 32,127 कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और मेरिट तो 10,709 अभ्यर्थियों का ही बनेंगे। तो जो भी एएनएम सिस्टर है उन सारे के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि होली में आप सबका रिजल्ट लगभग आ ही गया है। क्योंकि जिसका ऑब्जेक्शन लिंक वर्क करेगा तो समझ लीजिए उसका रिजल्ट आया है, और किस बेसिस पर यह तैयार किया गया ये सारे कुछ हम इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी एएनएम की रिगार्डिंग सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग बीटीएससी का ऑफिशियली वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ से जानते हैं कि किसके लिए ये लिंक एक्टिव किए गए हैं और क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं जिन कैंडिडेटों का लिस्ट में नाम आने के बाद भी। तो आप बीटीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर आइएगा तो वहाँ पे फर्स्ट में ही लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिंक फॉर ऑब्जेक्शन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर। तो आप लोगों के लिए जैसे कि आज एक्टिव किए गए हैं तो 17 मार्च तक यह लिंक एक्टिव रहेंगे। तो ये सिंपली आप क्रोम या गूगल पे जाके बीटीएससी सर्च करिएगा, तो इसके बाद आप नेक्स्ट पेज जो होगे बीटीएससी का उस पर आ जाएगा। यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट यदि चेक करना है तो उसमें आपको रजिस्टर जो अप्लीकेशन नंबर है वो डालने होंगे, डेट ऑफ बर्थ डालने होंगे, और आपने जो अप्लीकेशन अप्लाई करते समय पर मोबाइल नंबर दिए थे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो दीजिएगा, क्योंकि उस पर OTP आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट चेक हो जाएगा कि आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो क्योंकि काउंसलिंग के लिए मेजर अभ्यर्थियों को बुलाए गए हैं तो तीन गुना जैसे कि रिजल्ट दिया गया है, इसके रिगार्डिंग कल ही नोटिस जारी कर दिया गया था बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर। और कल हमने आपको बताया भी थी सारे डिटेल्स में कि किन कैंडिडेटों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यदि आप लोगों ने अपना यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं यदि आपने वो मेंशन नहीं तो उसका मार्क नहीं मिला है आपको। यदि आपने हायर कोर्स किए हुए हैं जैसे कि बीएससी नर्सिंग जीएनएम का कोर्स किए हुए हैं यदि आपने उसका मेंशन नहीं किया है तो उसका भी आपको मार्क नहीं दिया गया है। और संविदा पर यदि आपने कहीं वर्क किए हैं और सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है तो उसका भी मार्क नहीं दिया गया है। और यदि आपने सारे कुछ प्रॉपरली वे में आपने किए थे तो आपको निश्चित रूप से दिया गया है। और यदि कोई त्रुटि रह गया है यदि आपके मार्क में दिखने में कि हमको और परसेंटेज बढ़ना चाहिए तो आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि बीटीएससी ने आपके लिए ये लिंक एक्टिव किया है जिससे आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप इस पर डायल करने के बाद आपका नया पेज खुल कर आ जाएगा और वहाँ पे आप अपना जो भी प्रॉब्लम होंगे वो शेयर कर सकते हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत ना हो तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि जितने अभ्यर्थियों को इस पर सिर्फ चेक कर ले हम मेरा काउंसलिंग लिस्ट में नाम है या नहीं, और यदि आपको आपत्ति करने का मन नहीं होगा तो नहीं भी कर सकते हैं। जिसको त्रुटि रह गया हो फॉर्म फिल करते समय तो वो अपना सुधार कर सकते हैं। तो मेनली ये उसके लिए होते हैं जिनका गलतियाँ रह जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों की जो बहाली की प्रक्रिया है वो जल्द होने वाली है, जैसे कि हमने प्रॉपरली आपको बताते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में निश्चित रूप से आ जाएगा। तो आप लोग फाइनली जैसे कि ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव किया गया है तो फाइनली समझ लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट का पता चल ही गया, जिसका वर्क करेगा वो उसका समझ लीजिए कि रिजल्ट फाइनली बन रहे हैं। और वैसे 2 सप्ताह के बाद 15 डेज के अंदर में ही बीटीएससी आप लोगों का रिजल्ट का जो लिस्ट होगा वो जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे उनका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे और बीटीएससी की तरफ से कोई अपडेट आएंगे और यदि आपके कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, हम निश्चित ही आपका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।